हेलो एवरीवन, चाहे आपके पास कोई बाइक हो, उसकी परफॉर्मेंस या माइलेज का बेस्ट आउटपुट चाहिए, तो हमारी राइडिंग स्टाइल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर मेंटेनेंस। वेल, मेरी बाइक लगभग 40,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें मैं लगभग 14 सर्विसिंग करा चुका हूँ। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइक मेंटेनेंस व्हिच इज डन इन सर्विस सेंटर। फर्स्ट, रेगुलर मेंटेनेंस, जिसमें वही जो सर्विस सेंटर में सिर्फ इंजन ऑयल चेंज, चेन लुब्रिकेट एंड अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको चेंज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज एडवांस मेंटेनेंस, जिसके लिए ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। या तो हम लोग अपनी बाइक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हों, या फिर जहां हम अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दे रहे हों उनके पास अच्छी नॉलेज हो। बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द बाइक हैज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर क्रूशियल टू मेंटेन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको आगे वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या आपको कुछ मिसिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कर देना। वेल, दीज आर सम मेंटेनेंस जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद कराना बहुत ज़रूरी है अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं चाहिए तो। एंड दैट इज वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट, फ्यूल लाइन इंस्पेक्शन, थ्रॉटल एंड क्लच ऑपरेशन एंड VCI। कुछ सर्विस सेंटर्स में इन सब की सर्विसिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट, हमें एवरी 6,000 किलोमीटर पे इसे करा लेना चाहिए फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, प्रिवेंटिंग इंजन डैमेज, नॉइज रिडक्शन, एक्सटेंडेड इंजन लाइफ एंड फॉर द इमिशन कंट्रोल। और अगर आप इसे बार बार स्किप करते जाएंगे तो 100% तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, चांसेस हैं कि वाल्व डैमेज हो जाएंगी, जिसको बाद में रिपेयर कराना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, जिसमें इंजन अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, मतलब आप कितना भी ट्राई करोगे बाइक अपनी लास्ट टॉप स्पीड नहीं निकाल पाएगी। इंजन से नॉइज और वाइब्रेशन भी बढ़ सकती है और साथ में ओवरहीटिंग की भी प्रॉब्लम आने लगती है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप एक्सट्रीम, एक्सपल्स, अपाची, NS, MT15 किसी की भी मेंटेनेंस स्केड्यूल उठाकर देखोगे, इनकी सर्विसिंग हर जगह इंपॉर्टेंट बताई गई है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये सारी सर्विसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, और 10 डेज के अंडर ही इन सभी मेंटेनेंस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाएगी, एंड देन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वेल, मैंने कुछ सर्विस सेंटर में देखा है वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट बोलने के बाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होता। स्किल एंड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड अगर इसको गलत तरीके से कर दिया जाए तो जितना फायदा नहीं होना है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कुछ सर्विस सेंटर्स में अवॉइड करते हैं। सो जब भी आपको कराना होगा, एंड कराना तो है ही, तो एक अच्छे सर्विस सेंटर में ही जाइएगा। एंड सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में 6 या 7 सर्विसिंग रही होगी तब पता चला था, और पहली बार इसकी सर्विसिंग की गई थी। झारखंड पगोदर में हीरो का ही एक सर्विस सेंटर है, पूजा ऑटोमोबाइल्स, वहाँ पे। एंड देन आई रियलाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, फ्यूल लाइन, फ्यूल पंप या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की मेंटेनेंस गिने चुने सर्विस सेंटर में ही होता है, और ये 20,000 to 30,000 किलोमीटर्स पे रिकमेंड किया जाता है, या फिर तब किया जाता है जब आप अपनी बाइक में कुछ अबनॉर्मल सिम्टम्स को नोटिस करते हैं, लाइक सडनली इंजन परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाना, या बाइक स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो, या कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। तब मैं इसकी भी सर्विसिंग करा चुका हूँ, जिसमें सिर्फ इंस्पेक्ट किया गया था और सारी चीज़ें सही थी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें सही ही हों। थ्रॉटल और क्लच आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही थ्रॉटल केबल और क्लच केबल को चेंज कराया था, जिसमें से थ्रॉटल केबल 115 रुपीज़ का था एंड क्लच केबल 125 रुपीज़ का। एंड ट्रस्ट मी, इनको चेंज कराने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बाइक एकदम न्यू है, लाइक बहुत ही स्मूथ फील हो रही थी। देखो, अगर आपकी बाइक में स्टॉलिंग प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ब्रेकर पे जाने पे या क्लच प्रेस करने पे बाइक बार बार बंद हो जाता है, तो उसी को स्टॉलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। वैसे तो स्टॉलिंग प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, लाइक फ्यूल सिस्टम इशूज, फॉल्टी स्पार्क प्लग, बैड एयर फिल्टर, ECM malfunctions। बट अगर अभी आपकी बाइक न्यू है, मतलब 12,000 to 15,000 किलोमीटर तक की चली है और उसके बाद भी स्टॉलिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो 90% चांसेस हैं कि थ्रॉटल और क्लच कॉपरेशन की सर्विसिंग नहीं की गई है, जिसमें सबसे पहले थ्रॉटल और क्लच केबल को इंस्पेक्ट किया जाता है फॉर द प्रॉपर टेंशन एंड फ्री मूवमेंट। और अगर केबल जैम्ड होते हैं तो उनको लुब्रिकेट या चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से आप कितना भी ट्राई करोगे इंजन अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। इसीलिए आपको हर एक 12,000 किलोमीटर पर थ्रॉटल और क्लच केबल को चेंज भी कर देना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी मैनेजमेंट लिटरली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द इंजन, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द इंजन पावर एंड एफिशिएंसी। एंड स्पेसिफिकली मेरी बाइक में भी आज तक थ्रॉटल बॉडी मैनेजमेंट नहीं किया गया है। वैसे मैं चाहूँ तो आपको और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, बट जब मैं अपनी बाइक में खुद करा लूँगा तब मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो प्लीज़ वेट फॉर द वीडियो, एंड आई प्रॉमिस अब वीडियोज हर एक 2-3 दिन पर आती रहेंगी।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला है कि VCI कैसे कराते हैं। देखो, इसमें सिंपली बाइक में जितने भी सेंसर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, जिसके लिए सर्विस सेंटर वालों के पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस, एंड उसको हमारी बाइक और लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे बाइक सेंसर्स की सारी डिटेल्स लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाती हैं। एंड देन मिनिमम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है बाइक सेंसर्स को प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए। और इसको हर एक सर्विसिंग में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं कि कोई भी सेंसर्स किसी रीजन से खराब हो गई हो, लाइक ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि सेंसर्स पे ही ऑपरेट करता है, या फिर ECU जिसपे हमारी बाइक की माइलेज, पावर एंड ओवरऑल पूरी बाइक ही डिपेंडेंट होती है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनके सेंसर्स में अगर कुछ भी डैमेज आ जाए तो क्या होगा। सो नेवर मिस इट। वेल, कोई भी सर्विसिंग रेगुलर या एडवांस नहीं होती, जैसे जैसे बाइक्स डिस्टेंस कवर करती हैं उनमें उसी तरीके से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड ट्रस्ट मी उनको कराना बहुत जरूरी है, बट कुछ सर्विस सेंटर्स में इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, एंड ये सारी सर्विसिंग स्किप कर देने पे बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, खास करके बाइक की परफॉर्मेंस पे, टॉप स्पीड पे। इसीलिए मैंने इनको पॉइंट आउट किया क्योंकि मैं इनको फेस कर चुका हूं। और हाँ, मैंने इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों को स्किप भी किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना जिससे सर्विसिंग में और भी किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया सेफ राइड।